गुजरात के कुछ जिलों में हो रही लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। राज्य के जिन जिलों में इस बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला उनमें बनासकांठा भी शामिल है, जहां कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि नदियां और नाले उफान पर आ गए और इनके पानी ने रिहायशी इलाकों में घुसकर उथल पुथल मचा दी। वहां एक इलाके से सामने आई तस्वीर में एक नाले का पानी पूरी ताकत से गलियों में बहता नजर आया, जिसे देख आसपास मौजूद लोग सहम गए। बनासकांठा के दूसरे इलाकों में भी कमोवेश कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दिए। ज्यादातर सड़कें तालाब की तरह नजर आने लगी और जो लोग रोजमर्रा के कामकाज के लिए अपने घरों से निकले उन्हें पानी से भरी इन सड़कों से होकर गुजरना पड़ा। सबसे ज्यादा बुरे हालात तो निचले इलाकों में दिखाई दिए, जहां बाजारों में मौजूद दुकानों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। चाहे कपड़े की दुकान हो या दवा की दुकान या फिर रेस्टोरेंट, कुछ भी इस आफत से बच नहीं पाया। 3 घंटे में 5 इंच बारिश होने के कारण सर्वत्र जलबंबाकार जैसी स्थिति हो गई है। सब दुकानों में 5 से 7 फुट पानी घुस गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो किराना की जो दुकान थी वो सब पानी में गर्का हो गई है। उधर छोटा उदयपुर जिले से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहाँ भी बारिश के पानी ने रिहायशी इलाकों में लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जबकि सड़कें भी किसी नहर की तरह नजर आने लगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरह बारिश का दौर राज्य के कुछ जिलों में जारी रह सकता है। अमेरिकी दौरे से लौटते ही पीएम ने अपने आवास पर अहम बैठक की। अमेरिकी दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक अहम बैठक की। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। लखनऊ में हुए किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने गन्ने की MSP 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान किया, यानी गन्ना अब 325 की बजाय 350 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। उन्होंने प्रदेश में बंद पड़े चीनी मिलों को भी जल्द खोलने की घोषणा की। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमय मौत की जांच कर रही CBI की टीम ने प्रयागराज में मठ के उन लोगों से पूछताछ की जिन्होंने घटना वाले दिन उस कमरे को खोलकर शव को नीचे उतारा था। वहीं महंत की वसीयत में उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आने वाले बलवीर गिरी से भी जांच एजेंसी ने सवाल जवाब किए। नक्सल समस्या पर गृह मंत्रालय की ओर से बुलाई गई अहम बैठक में नक्सल प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। इस दौरान नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने और उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाने वाले रास्तों को बंद करने पर भी खास तौर पर चर्चा की गई। वहीं गृह मंत्री ने 6 दशकों से विकास न होने को नक्सलवाद की बड़ी वजह बताया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में कई घंटों तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में एक बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या में भी आरोपी था, वहीं दूसरा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का कमांडर बताया गया। खबर है कि सुरक्षा बल ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने फायरिंग जारी रखी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें ढेर कर दिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे होगी। इस मौके पर पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। योजना के तहत नागरिकों को एक हेल्थ ID भी दी जाएगी जो 14 डिजिट की होगी, जिसमें उस नागरिक की पूरी हेल्थ हिस्ट्री होगी जो डॉक्टर के पास पहुंचने पर उन्हें मिल जाएगी। इस योजना का मकसद आधुनिक तकनीक के जरिए स्वास्थ्य सुविधाओं को मरीजों तक पहुंचाना है, जो कि बड़ा कदम बताया गया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की पायलट परियोजना की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से की थी। अभी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। राजस्थान में आयोजित की गई शिक्षक पात्रता भर्ती की परीक्षा में कई जगहों पर भारी हंगामा देखने को मिला। जयपुर में तो पुलिस ने परीक्षा देने आए छात्रों पर लाठियां बरसा दी। वहां छात्रों ने परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए और हंगामा शुरू कर दिया। परीक्षा केंद्र के बाहर बवाल बढ़ता देख वहां तैनात पुलिस भी एक्शन में आ गई और छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जो भी हत्थे चढ़ा उसकी जमकर पिटाई की गई। हालांकि इससे पहले पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। छात्रों ने पर्चा लीक होने और देर से पेपर बांटे जाने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में बस कुछ मिनट्स की देरी हुई, क्योंकि जिस सीक्वेंस में पेपर बटना था उस सीक्वेंस में नहीं बटा। सीकर में भी यही हाल हुआ। वहाँ परीक्षा केंद्र में देरी से पहुँचने पर उम्मीदवारों को अंदर नहीं जाने दिया गया। गेट बंद देख परीक्षा देने आए लोग अंदर जाने की गुहार लगाने लगे, लेकिन वहाँ तैनात पुलिस ने उनकी
की एक नहीं सुनी। परीक्षा छूटती देख एक लड़की तो फूट फूट कर रोने लगी, बोला कि उस गेट पे जाओ, उधर गए ना तो फिर उधर वाले ने इधर भेज दिया। भरतपुर में भी कुछ मिनटों की देरी छात्रों पर भारी पड़ गई। इन छात्रों को परीक्षा केंद्र में घुसने से ही रोक दिया गया। परेशान लड़के गुहार लगाते नजर आए। कई उम्मीदवार तो परीक्षा केंद्र के गेट पर ही लटक गए, लेकिन उन्हें अंदर